जाके वो दिखाया, लेकिन उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद ये पूरा लोग युद्ध मिलकर ये प्लान बनाया। ये एक्सीडेंट स्टंट में ये मोहम्मद नबील गिर गया, उनका सर पे घायल होके मर गया। अगर पुलिस को बताएगा तो वो माइनर था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बारे में पेरेंट्स को थोड़ा तकलीफ लगाया जाएगा। वो लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस अब पोस्टमार्टम भी करेगा, ये टूट टूट कर ये पोस्टमार्टम करेगा। इसीलिए क्या ज़रूरत है पुलिस केस करने के लिए, ऐसा उन लोगों को बिलीव करके वो बरियर कर दिया। फादर को थोड़ा डाउट्स आके, कंट्राडिक्शन अलग अलग बात करने में थोड़ा डाउट आए, शक आके वो पुलिस को बताने में इंस्पेक्टर मिर्चो वो सेल फोन सीज करके एक क्लिपिंग सीज कर दिया। बाद में ये बर्तस बेरियल ग्राउंड पे एक डेड बॉडी को निकाल के एग्जीमेशन कर दिया। एग्जीमेशन में क्लियर में मालूम हो गया वो सर पे लगाए खायल से उनको मौत हो गई। तो वो मर्डर केस, ये इंसिडेंट छुपाने के लिए 201, इन्वेस्टिगेट करने के लिए 109, ये पूरा केस करके आज मिर्चो पुलिस नौजवानों के, इसमें 2 जूनियर भी थे, वो गिरफ्तार करके कोर्ट को रिमांड के भेज रहे हैं। ये पूरा इशू में कोई प्रीवियस का हिस्ट्री नहीं था, किसी तरफ फाइट्स भी ये पुराना शहर में नहीं था। वो मीडिया प्रेजेंट कर रहा है ये पुराना शहर में ऐसा हो रहा है, ऐसा ये नहीं है, ये बिल्कुल कंट्रोल है। लेकिन कुछ पेरेंट्स जान पूछ कर विलफुल नेग्लिजेंस में ये बहुत बहुत लाड पे ये चिल्ड्रन को छोड़ रहा है। वो कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, उनको नहीं मालूम है। मालूम करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है। कहाँ उनका सेंटर जा रहा है, कहाँ लड़कियाँ को वो टीज कर रहा है, वो मालूम करने में भी कोशिश नहीं कर रहा है। वो जानबूझ कर विलफुल नेग्लिजेंस और इंटेंशनल ओवरलुक करके उनको पैसा दे के उनको भेज रहा है। इसी मामले में अगर क्या करने में क्या क्या इंसिडेंट होता है, क्या क्या परिणाम होता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस मिलता है, क्या क्राइम है, क्या क्राइम नहीं, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, वो उनको मालूम नहीं, मालूम करने के भी कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा ऐसा बात करके आवार के फिर के तो आशा के पूरा किसी तरह वेस्ट कर रहे, बुरा बहुत बहुत बुरा बात है। इतना नौजवान, इतना अच्छा खेली, बहुत इंटेलिजेंस में लोग हैं, लेकिन उनका पेरेंट्स का बिल्कुल नेग्लिजेंस में ये कम से कम ये इंसिडेंट होने के बाद उनका पेरेंट को बताएगा और पुलिस को बताएगा तो अच्छा रहता था, लेकिन जानबूझ कर ये कंसीलमेंट कर दिया। कंसीलमेंट करने में ये पूरा ऑफेंस क्राइम बढ़ गया। ये बढ़ना कितना तक आ गया मालूम नहीं, जो पेरेंट्स के ऊपर भी आ गया। 2-3 पेरेंट्स को मालूम हो गया था, लेकिन वो जान पूछ कर छुपा, तो ये मर्डर केस में उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। सो अभी उनका कस्टडी लेकर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उनको भी अरेस्ट करने के हम कोशिश कर रहे हैं। ये बुरा बहुत ये क्रिमिनल्स नहीं थे, ये पूरा प्रीवियस एनिमिटी नहीं थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई पैसा कमाने वाला क्यों नहीं थे। आवारा केवल पेरेंट्स का बिल्कुल नेग्लिजेंस में ये इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट पूरा दुनिया को मालूम होना चाहिए। इसी तरफ बिल्कुल नेग्लिजेंस होने में पेरेंट्स को क्या तकलीफ मिलता है, क्या हट बर्न मिलता है। कोई आदमी ये बिल्कुल कंसीलमेंट कर दिया एविडेंस, ये 201 अलग नहीं है, ये पूरा केस का कितना पनिशमेंट है 201 का ऐसा है, वो जिंदगी भर लाइफ इंप्रेशन में जाए, 201 के लाइफ इंप्रेशन में जाए।